ये तो दिक्कत हो गई। अगर ये मेथड काम नहीं कर रहा है तो मेरे को इसका अपडेटेड वीडियो बनाना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इसी वीडियो का अपडेटेड वर्जन देखेंगे। जो भी प्रॉब्लम अभी उस वीडियो में आ रहा है वो हम इस वीडियो में उसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको वही वीडियो खोलना है और उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जो मैंने अपडेटेड लिंक दिया है, जो दूसरी बार यहाँ पे ओपन दिस लिंक दिया है, उसे खोलना है आपको। सबसे पहले मैं API की को निकालने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पे आपको रजिस्टर गेट की ये वाला ऑप्शन में दबाना है। इधर दबाने के बाद आपको रजिस्टर विद डिस्कॉर्ड या रजिस्टर विद गूगल दबाना है। आपको अगर डिस्कॉर्ड में की चाहिए तो डिस्कॉर्ड से लॉग इन कीजिए, अगर गूगल में जीमेल से आना है तो जीमेल में लॉग इन कीजिए। मैं अभी जीमेल से कर लेता हूँ, तो जीमेल में दबा दो और आपको यहाँ पे आपका अकाउंट सेलेक्ट कर साइन इन करना है। मैं अभी सेलेक्ट करके साइन इन करता हूँ और यहाँ पे हमको मैसेज आ चुका है कि हमारा API की हमको ईमेल किया गया है। अब आपको अपना जीमेल खोलना है। आपको इधर यहाँ पे एक मैसेज आएगा, देखिए आ गया, इसमें आपका API की है इधर। अभी उसे उधर ही रहने दीजिए या फिर कॉपी कर दीजिए। कॉपी करके आप स्टोर कीजिए कहीं, एक ब्लैंक पाइथन फाइल क्रिएट कीजिए। पहले एक नया पाइथन फाइल क्रिएट कीजिए और हम इधर API की स्टोर करेंगे और इसे सेव कीजिए .py में कहीं भी। अब आपको वो ईमेल में जहां पे एग्जाम्पल लिखा है उसे आपको दबाना है। एग्जाम्पल दबाने के बाद आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगा। ये वही वेबसाइट है जो पहले वीडियो में उन्होंने डेवलप किया था, वही है, लेकिन थोड़ा अलग तरीका है ये हमको ये रिप्लाई पाने का। बस यहाँ पे आपको जहाँ पे ये ड्रॉप डाउन है, ये वाला ड्रॉप डाउन है ना, इधर आपको सेलेक्ट करना है पाइथन। पाइथन में यहाँ पे रिक्वेस्ट, याद रखिए रिक्वेस्ट, बाकी का भी आप ट्राई कर सकते हैं लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट में देखेंगे। रिक्वेस्ट को दबाइए और यहाँ पे जो यहाँ पे सब है ये सब डिफॉल्ट रहने दीजिए। बस यहाँ पे जहाँ पे रिक्वायर्ड पैरामीटर्स है मैसेज, ये हम प्रोग्राम में चेंज करेंगे। यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे भी कर सकते हैं लेकिन प्रोग्राम में बढ़िया तरीके से चेंज करेंगे। यहाँ पे आप पहले ये प्रोग्राम में मत करने चाहिए, ये यही पे कीजिए क्योंकि ये इंटरफेस अच्छा है, इधर करने में आसान है। बॉट नेम आप सेट कीजिए, बॉट जेंडर, मास्टर का नाम, एज, सब इधर से ही सेट कीजिए, बहुत ज्यादा है तो मैं सेट करके आता हूँ। और आपका ये कस्टम पैरामीटर सब सेट होने के बाद आपको यहाँ पे कोड में भी थोड़ा बदलाव दिखेगा, घबराइए मत। बस इधर कॉपी कोड कीजिए, पाइथन रिक्वेस्ट में रहने दीजिए और कॉपी कोड कीजिए और जो हमने पाइथन फाइल क्रिएट किया है उधर API की रहने दीजिए, उसके नीचे पेस्ट कीजिए और ये जो इम्पोर्ट है उसको हम ऊपर डाल देते हैं। हाँ अब हो गया इतना। अब आप इसे रन करके देख सकते हैं लेकिन बड़ा सा एरर आएगा, यू आर नॉट सब्सक्राइब टू द प्लान, क्योंकि हमने इधर हमारे API की डाला नहीं है। API की को डिफाइन तो किया है लेकिन API की को डाला नहीं है। यहाँ पे जहाँ पे आपको ऑथराइजेशन दिख रहा है अनडिफाइंड, इसे आपको हटाना है और बस टाइप कीजिए API _ की, बस इतना करना है आपको बस। और अब इसे आप रन करके देखिए, आपको सारा जो आपने बॉट का नाम दिया वो आएगा और यहाँ पे आखिरी में देखिए AI रेस्पॉन्स, आई एम फाइन एंड थैंक यू, हाउ आर यू, ये हमारे लिए यहाँ पे देखिए इधर हमने हाई देर हाउ आर यू, ये हमारा टेक्स्ट है, इसके लिए इसने रिप्लाई दिया और साथ में ये जो बॉट डिटेल्स वो सब भी दे दिया। अब हमको फिल्टर करना है जो डाटा हमको चाहिए तो करते हैं। उससे पहले हम इधर टेक्स्ट को और आसान करने के लिए कुछ कर लेते हैं। टेक्स्ट इज इक्वल टू व्हाट इज योर नेम और यहाँ पे जहाँ पे हाई लिखा है ना मैसेज कॉलन के बाद, उधर से जहाँ पे कोमा नहीं कोमा आता है उससे एक पहले तक उसे हटाइए और उधर लिखिए टेक्स्ट।
अब आपको टेक्स्ट बार बार इधर चेंज करने की जरूरत नहीं, इधर आप चेंज कर सकते हैं। अब टेक्स्ट तो दे दिया हमने, आपको जो रिक्वायर्ड डाटा है वही चाहिए। हम रिक्वायर्ड डाटा को फिल्टर करेंगे एक लिस्ट के थ्रू। अभी ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में थोड़ा फिल्टरिंग करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम पहले इसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे कस्टम वे में। हम स्प्लिट करेंगे इसे AI रेस्पॉन्स को रेफरेंस मानकर, ताकि जो भी AI रेस्पॉन्स है उससे पहले वाला एक एलिमेंट रहे, उससे बाद वाले एक एलिमेंट रहे, तो हम उसका बाद वाले एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको बस इधर जहाँ पे ये अपोस्ट्रॉफी है उधर से ये दूसरा हमारा जो आउटपुट है जो चाहिए उससे पहले जस्ट पहले वाला अपोस्ट्रॉफी को मैं ना उधर तक कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इधर आप लिखिए R इज इक्वल टू R डॉट स्प्लिट ऑफ, और ये जो कॉपी किया है उसे पेस्ट कीजिए। उससे पहले हमको R को भी डिफाइन करना है, तो R को हम डिफाइन कर लेते हैं। R इज इक्वल टू ये हमने R को भी डिफाइन कर दिया, R को स्प्लिट भी कर दिया। अब देखिए अब हम प्रिंट करेंगे तो इसे इधर देखिए हमको मिल गया, जहाँ पे जो क्या था AI रेस्पॉन्स उससे पहले वाला एक एलिमेंट बन गया, उससे दूसरा वाला दूसरा एलिमेंट बन गया। अब हम उसका R को डालेंगे R ऑफ 1, क्योंकि 1 में हमारा रिक्वायर्ड डाटा है। और एक और करेंगे R डॉट रिप्लेस रिप्लेस ऑफ ये और ये। इसे हम इसलिए रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि इधर देखिए यहाँ पे लास्ट में हमको ये दो है ना, ये भी तो नहीं चाहिए हमको, इसलिए उसको रिप्लेस कर रहे हैं हम। अब रिप्लेस करेंगे हो गया। अब आर को प्रिंट करके देखेंगे, अब हमको जो रिक्वायर्ड डाटा है बस उतना ही मिलेगा। देखिए कुछ एरर आया, रिप्लेस एक्सपेक्ट, ओ हमने बस दिया है कि रिप्लेस जो करना है, क्या रिप्लेस करना है वो तो नहीं दिया हमने। क्या भाई क्या करते हो, हम इधर ब्लैंक में रिप्लेस करेंगे तो अब एरर नहीं आना चाहिए। देखते हैं क्या, ओहो मैं भी क्या करता हूँ, जहाँ पे स्प्लिट है उधर हमने ये दूसरा वाला दिया है, हमको इधर नहीं देना है इसको, हमको जहाँ पे रिप्लेस करना है उधर हमको ब्लैंक वाला देना है। अब आना चाहिए हमारा आउटपुट, देखिए आई बिलीव यू वॉज दैट बिफोर एनी वे कॉल मी फ्राइडे, जो हमारा रिक्वायर्ड डाटा है बस उतना ही मिला है। आज कुछ ज़्यादा ही एरर कर रहे हैं हम, चलो होता है सबसे, हमको हमारा आउटपुट तो मिल गया ना। चलो अब हम दूसरा टेक्स्ट देखते हैं। अगर आपने उधर ये जो वेबसाइट में हमने वो कस्टम सब फिल नहीं किया होता, जैसे बॉट नेम बॉट फीमेल या मेल है, उसका एज क्या है, कंपनी क्या है, वो सब हमने डिफाइन नहीं किया होता, तो हमको इधर डिफॉल्ट वाला वैल्यूज ही मिलता, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको रैंडम स्टफ वही मिलता। लेकिन हमको ऑप्शन मिल रहा है ना चेंज करने को, तो चेंज करेंगे। पहले वाले मेथड में क्या होता था कि हमको ऑप्शन ही नहीं मिलता था कि चेंज करना है। अगर आपको बॉट का नाम चेंज करना है तो आपको बार बार रिप्लेस करना पड़ता है। इसमें आप डिफाइन करते हुए ही उधर डिक्लेयर कर सकते हैं कि आपका बॉट का नाम क्या है। तो ये वाला मेथड पहले वाले मेथड से अच्छा है और आसान भी है बहुत। तो अगर हम इधर चेंज करेंगे व्हाट इज योर नेम, क्या क्या डालते हैं, आर यू फाइन, और आना चाहिए हमको आउटपुट ठीक से, यस आई एम फाइन, बस आ गया ना आपका आउटपुट। आप इसे यूज कीजिए, पहले वाला मेथड से बहुत आसान है। पहले वाला मेथड जरूर छोटा था लेकिन इसमें हमको और कस्टमाइजेशन मिलता है। बस याद रखिए इसमें थोड़ा लिमिटेशन भी है क्योंकि ये फ्री वाला वर्जन है, इसमें आपको लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिक्वेस्ट आप पर डे या पर आवर कर सकते हैं, जो बहुत है, मतलब वो 60,000 पता नहीं क्या है, मैं देखा नहीं, आप देख सकते हैं इनका वेबसाइट में, लेकिन हमारा लिमिट से ज़्यादा ही है, हम इतना यूज़ भी नहीं करेंगे। तो फ्री वाला वर्जन आपके लिए बेस्ट है, लेकिन आपको अगर ये कम पड़ रहा है तो आप इसका प्रीमियम वर्जन भी ले सकते हैं। और एक और बात, अगर आपको इधर नो रिक्वेस्ट अगर ऐसा एरर आता है तो बस पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट कीजिए, बस कीजिए तो आपको वो एरर भी नहीं आएगा बस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ही होगा क्योंकि वो पहले वाला वीडियो से अपडेटेड है, तो लाइक कीजिए
और पहले वाले वीडियो में अगर आपको जब आपको एरर आए तो आपने कमेंट किया, वैसे इस वाले वीडियो में भी आपको कमेंट करना ही है। तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये अपडेट करना है कि नहीं? उस वीडियो में आपने कमेंट किया इसलिए मेरे को पता चला कि मेरे को अपडेट करना था, इसलिए आपको कमेंट करना है। कीजिए, मजा आएगा, चैटिंग करेंगे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिए। आप उधर भी मेरे से कुछ सवाल जवाब पूछ सकते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पे।